नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बुने गए महंगाई के जाल से आम आदमी बुरी तरह तंग आ चुका है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी धरना प्रदर्शन के तहत गहलोत ने जारी एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। कई राज्यों में पेट्रोल का मूल्य 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गया है। एक तरफ आम आदमी कोरोना और आमदनी कम होने से परेशान है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार महंगाई से उसके लिए और मुश्किल कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क को लगातार कम कर रही है, जिसमें राज्यों को हिस्सा मिलता था, लेकिन विशेष उत्पाद शुल्क व अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसमें राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता लगातार बढ़ाकर अपनी जेब भर रही है। केंद्र सरकार की एक तिहाई कमाई पेट्रोल डीजल से ही हो रही है। भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां कांग्रेस को मूल्य वर्धित वैट कम कर जनता को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से राहत देनी चाहिए। कांग्रेस ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से उन बातचीत में कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान उन राज्यों में शुमार है जहां पेट्रोल और डीजल पर सर्वाधिक वैट है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डीजल पर 26% वैट है, जबकि गुजरात में यह 20.02% है। इसी प्रकार राजस्थान में पेट्रोल पर 36% वैट है, जबकि हरियाणा में यह दर 16.06% है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी पर तंज कसते हुए शुक्रवार को कहा कि हो सकता है कि उन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से बात की हो, क्योंकि उनकी मुझसे कोई बात नहीं हुई। गौरतलब है कि भाजपा नेता बहुगुणा ने पिछले दिनों कहा था कि उन्होंने कथित तौर पर नाराज चल रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट से भाजपा में शामिल होने की बात की थी। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड मुख्यालय पर पुलिस की ओर से एक कंपनी के ब्रांड को कॉपी कर नकली टायर ट्यूब बनाने के एक कारखाने को सीज कर बड़ी मात्रा में नकली ट्यूब जब्त की गई है। गंगापुर सिटी के उदय मोड़ पुलिस थाना में सीएट कंपनी ने प्रार्थना पत्र पेश कर सीएट कंपनी की तरफ से नकली माल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद थानाधिकारी गंभीर सिंह अपनी कंपनी मैनेजर व पदाधिकारी राजेश पवार व अपनी टीम के साथ शेड रोड गद्दी मोहल्ला मिर्जापुर गंगापुर सिटी पहुंचे, जहां पर काम कर रहे एक व्यक्ति अकबर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से कुल 1,560 ट्यूब को जब्त की। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर शुक्रवार को वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी रोल नंबर और जन्मतिथि अपलोड करके साक्षात्कार पत्र प्राप्त कर सकेंगे। आयोग सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि पूर्व में स्थगित किए गए साक्षात्कार 21 जून 2021 से 13 जुलाई 2021 तक आयोजित किए जा रहे हैं। साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले 1041 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने शुक्रवार को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से उनके आवास पर मुलाकात की। गौरतलब है कि पिछले माह हेमाराम ने अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेजा था। बाड़मेर के गुड़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक पायलट के नजदीकी माने जाते हैं। पायलट से मुलाकात के बाद चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वह अपने दिल की बात सुनते हैं और उन्होंने त्याग पत्र देने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दिल की बात सुनी, लोग मुझसे त्याग पत्र वापस लेने की अपील कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय मुझे लेना है। राजस्थान की आन बान शान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा अब अयोध्या में स्थापित होने के लिए रवाना की जाएगी। जयपुर के मूर्तिकार महावीर भारती व निर्मला कुल्हरी द्वारा 12.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा तैयार की गई है। यह प्रतिमा 13 जून को महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर जयपुर से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, संघ प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा महामंत्री दिया कुमारी, सांसद राजसमंद, सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी आदि प्रमुख लोगों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर हरी झंडी दिखाकर सज्जित वाहन से रवाना की जाएगी। शुक्रवार को 250 वार्डों में जयपुर के अलग अलग पेट्रोल पंपों के बाहर अपने कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस द्वारा इस प्रदर्शन को लेकर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भजन मंडली को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीए के शासनकाल के दौरान पेट्रोल में 112 और डीजल में 160% की बढ़ोतरी हुई थी।
जयपुर जिले में शुक्रवार को कोरोना की टीकाकरण का रिकॉर्ड बना। दरअसल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि जयपुर जिले में शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक जिले में 1,18,200 से भी अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ अशोक कुमार ने दौरा कर अभियान की व्यवस्थाओं को देखा। पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में शुक्रवार को राजस्थान में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। प्रदेश के सभी जिलों में पेट्रोल पंप के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी जयपुर में अजमेर रोड स्थित पेट्रोल पंप वाले बालाजी मंदिर के पास जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से आयोजित धरने में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 400 रुपए सिलेंडर होने पर प्रदर्शन करने वाले अब कहां हैं। डोटासरा ने कहा कि जब गैस सिलेंडर 400 रुपए से कम था तब बीजेपी प्रदर्शन करती थी, जब पेट्रोल 70 से कम था तब भाजपा सड़कों पर उतरती थी, लेकिन उसी भाजपा की सरकार ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की क्या हालत करके रख दी है। अब गैस सिलेंडर 800 के पार हो गया है और पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है। सांसद दिया कुमारी ने शुक्रवार को लव 30 कैंपेन का पोस्टर लॉन्च किया। वह इस कैंपेन को अपना समर्थन देने वाली पहली नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। कैंपेन का उद्देश्य है विश्व के शहरों में वाहनों की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करना है, जिससे कि दुर्घटनाएं कम होंगी और सभी वर्गों के लोगों के लिए रहने योग्य सड़कें बन सकेंगी। इसी पहल के तहत मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी इस कैंपेन के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए जयपुर के स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस अवसर पर मुस्कान की ट्रस्टी मृदुल भसीन और द पैलेस स्कूल की प्रिंसिपल उर्वशी वर्मन उपस्थित रही। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन और सरकार में सर्जरी की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस पर अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतिम मुहर का इंतजार है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। शाम को नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर वृहद नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई 14 जून तक स्थगित कर दी। राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सुनवाई टाल दी। गुर्जर ने अपने निलंबन और नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जो राज्य सरकार को महापौर के निलंबन करने का अधिकार देती है। राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय के आयुक्त के साथ कथित दुर्व्यवहार के चलते 6 जून को महापौर और 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली सरकार को गालियां दे रहे हैं, ये उनके संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद लिए हैं, बीजेपी तो भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। सिसोदिया ने केंद्र सरकार से पूछा कि पिज्जा घर पहुंच सकता है तो राशन क्यों नहीं। उनके पास अब सिर्फ राज्यों से झगड़ा करने का काम बचा है। उन्होंने कहा कि चाहे ऑक्सीजन का मुद्दा हो या परीक्षा रद्द कराने का, केंद्र सरकार ने हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाई है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को इंटरनेशनल अप्रूवल मिलने में देरी हो सकती है। अमेरिका में कोरोना के मामले कम होने के बाद अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। USFDA किसी भी नई वैक्सीन को अप्रूवल देने के मोड में नहीं है। अब कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी के सामने बायोलॉजिकल लाइसेंस लेने का ऑप्शन रह गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।